सिंपल टर्म में हम ऐसे समझा सकते हैं, सेंस यस, ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ टू इक्वल लेंस। देखो ये जो लेंस है दीज आर बाय नॉट कनकेव, इफ इट इज नॉट कन्वेक्स, इट इज एक्चुअली बाय कन्वेक्स। बाय कन्वेक्स क्यों? क्योंकि इस साइड से भी कॉन्वेक्स है और इस साइड से भी कॉन्वेक्स है, तो ये बाय कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, टू स्फेयर, टू साइड्स, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द टू सर टू लेंस या फिर टू सर्फेसेस दैट मेक टू इक्वल ग्लास सर्फेसेस दैट मेक्स अ बाय कनकेव एंड बाय और बाय कन्वेक्स लेंस। मतलब ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर है जो दो साइड्स का सेंटर है, ठीक है ना। अब यू कैन योरसेल्फ सी कि ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ये दोनों हाफ एक दूसरे की ऑपोजिट लगे हैं, राइट। तो जितना रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर पे होगा, उसका उल्टा रिफ्रैक्शन इस साइड से होगा। तो सिमेट्री, देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन द टू एक्सिस, तो वो सिमेट्री का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर ही आ रहा है। तो अगर यहाँ पे जितनी रिफ्रैक्शन होगी उसका उल्टा यहाँ से हो जाएगा। तो इसीलिए ऑन द अदर हैंड, अगर एक ये ग्लास स्लैब होता, इफ इट वुड हैव बीन अ ग्लास स्लैब में जो लाइट आती वो तो डेविएट करके पैरेलल निकल जाती है, बट यू कैन सी ड्यू टू राउंडिंग ऑफ द एजेस इट इज पॉसिबल कि जो लाइट एक एक्सिस से आएगी उसी एक्सिस पे वो वापस जा पा रही है यूजिंग अ लेंस, एंड इट इज ओनली पॉसिबल एट द पॉइंट ऑफ सिमिट्री, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द टू सर्फेसेस, द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द टू सर्फेसेस इज ऑपोजिट सच दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट सच दैट लाइट इमर्जेस एट द सेम एक्सिस इन विच इट वॉज इंसिडेंट ऑन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे दो सर्फेसेस बिल्कुल इक्वली अरेंज्ड हैं और उसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो लाइट यहां पे रिफ्रैक्ट करी होगी बिल्कुल उसका उल्टा इस साइड पे रिफ्रैक्ट करती है, गिविंग इट एग्जैक्टली द सेम पाथ ऑन विच इट केम फ्रॉम। सो इज दिस क्लियर? ऑल्दो दिस इज नॉट इन कोर्स, बट दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन सच क्वेश्चंस। ये क्लियर है?